I hope you are doing good. As you all know that we are studying the chapter of role of government in the economic development of the country. So by the time हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सो गवर्नमेंट ने आफ्टर आज़ादी के बाद जो भी स्टेप्स उठाए इस तरफ कि इकोनॉमिकली हम डेवलप हो सके, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सो हमने अब तक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो कंट्री है, हम लोग कृषि प्रधान देश बोलते हैं हिंदी, है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है. सो जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करें. उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाई लेकर आए, है ना. हमारे फार्मर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज दी, लाइक क्या क्या उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज दी कि आप लोन पर पैसा ले सकते हैं और उसका ब्याज दर बहुत कम रखी, ताकि लोगों को, फार्मर्स को प्रोत्साहित करा जा सके, राइट. और उसके अलावा क्या करा, हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, राइट. हमने इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो कि बहुत रिच थी, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्रीज, पेंटिंग्स, हाथ का काम हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको कम कर दिया, कम करा दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. सो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ 12% इंडस्ट्री थी, या यह समझिए कि ग्रोथ में, इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सिर्फ 12% हमारी इंडस्ट्रियल सिस्टम जो थी वो करती थी, ठीक ठीक है. सो उसमें देखा हमने कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लेकर आए, गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रीज बनानी शुरू करी, वहां पे लोगों को काम देना शुरू करा, राइट. सो दैट एक बेस फॉर थिंग्स बनी, वहां से भी प्राइवेट सेक्टर्स अपने आप आने लगे, राइट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये सब है लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना हुआ गवर्नमेंट को. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, कोई भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सोचे ढांचा, अगर हिंदी में बोलूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ढांचा. तो एक स्टेट को फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीज होगी, मोटा मोटा जो ऊपर की चीज होगी वो आप घर के लेवल से सोचना बंद करिए. आप ये सोचिए कि आई एम लिविंग इन अ स्टेट, व्हाट आर थिंग्स आई नीड टू फंक्शन, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड. सो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. सो इफ यू कैन सी हियर व्हाट आर थिंग्स वी बेसिकली नीड, वी नीड रेलवेज, we need roads, we need ports, we need aviation. So these are what infrastructure. ये क्या है, एक state को function करने के लिए basic systems और services की जरूरत पड़ती है, ठीक है. infrastructure for basic services and what, basic services and system, basic system and services. So these are those basic systems and services which actually needs a country to run. So railways, chalo, let's talk about railways. The Indian railway system network is the fourth largest in the world. ये हमें पता है, and ये भी हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने हमारे देश में रेलवेज की नींव रखी, शुरुआत करी. तो वो किसने करी, ब्रिटिशर्स ने. तो एक तो चीज हमें वो अच्छी दिख रही है. And it spreads around 115,000 kilometers with around 12,000 passengers train and 74 cargo trains. Fine. So what, how many trains have been recorded? किया गया है तो 12,000 trains थी, ठीक है, 74 cargo trains. ये मतलब cargo trains, the trains which are actually required to transport things from one place to another of a country. जैसे कि कोई चीज यहाँ पे खाने की सोचिए, या आपकी बहुत सारी इक्विपमेंट एक जगह पर बनती है, स्टेट में अलग बनती है, स्टेट में अलग बनती है, स्टेट में अलग बनती है. नहीं, ऐसा नहीं है, कोई स्टेट कोई चीज बनाता है तो कोई चीज बनाता है. सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोस थिंग्स वी नीड अ कार्गो ट्रेन. सो 7400 कार्गो ट्रेन थी, 115,000 किलोमीटर्स में हमारी जो ये रेल पटरी है वो बिछी हुई है, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलराइट. So the government of India has allocated a significant amount of money towards improving railway infrastructure in the country, and also invited foreign countries to invest in the
Same. The government also takes steps to strengthen the infrastructure of railway stations, improve service quality, and build freight corridors in various regions of the country. ठीक है, तो government ने इस पर ध्यान दिया कि हमें अपना infrastructure भी strong करना है, so that हमारा जो transportation है या हम कहें लोगों के लिए सहूलियत भी बनाए कि एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से जा सके. ठीक है, तो उसके लिए if you want go from काश्मीर टू कन्याकुमारी we can go by road, but it will take not much of time and energy and money. ठीक है, so government ने railways को strong करना शुरू किया so that people can move from one place to another easily, fast and that would be more cheaper to them. Right, so this is all about railways. ठीक है, next we have roads. India has one of the largest network of roads in the world. ठीक है, India का जो road network है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे not better तो नहीं बोल सकते सबसे richest सबसे largest है. The total length of the roads in the country exceeds 3.01 million kilometers. कितनी फैली हुई है, जैसे कि हमारे रेल पटरी कितनी फैली फैली है 1,15,000. यहाँ पे हमारे जो रोड है उनका जो अगर टोटल जितनी रोड्स ऑल ओवर द कंट्री उनको नापा जाए तो कितनी है 3.01 मिलियन किलोमीटर्स. राइट, इन ऑर्डर टू कनेक्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट सेट अप एनएचए. हमें पता है एनएचए है नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया 1988. सो वन स्टेट टू अनदर स्टेट कनेक्टिविटी भी हो, फास्ट भी हो, तो उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जो कि सिर्फ हमारे कंट्री में नेशनल हाईवे बन रहा है. बहुत सारे NH8, NH10, NH12, 22, 21, सो बहुत सारे. तो वो क्या करते हैं बाहर ही बाहर से, मतलब तो हमारे एक स्टेट को बाहर कर, हमें अगर दूसरे स्टेट की जानते हो हमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. नेशनल हाईवे हमेशा आप देखेंगे जगह के मतलब बिल्कुल मेन रोड्स होती हैं, बाहर अंदर नहीं कहीं किसी से भी स्टेट या किसी भी जगह पे घुसा जाता है. सो ये इनको लेकर आए, एनएचएआई को लेकर आए. फाइन, सो यू कैन स्टडी अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दैट एम विद 4 लेन एंड 6 लेन एक्सप्रेसवेज दैट आर कनेक्टिंग 4 मेट्रोस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. Fine, so this is all about the roads we have. Next we have ports. India's port shipping industry has played a significant role in promoting the country's trade and commerce. What are ports? Ports kya hote hain? What do you mean by ports? Shipment. Ships. Hoti hain? Badi badi ships, cargo ships. Unka kaam kya hota hai? अब हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाएगा तो क्या सिर्फ प्लेन से ही जा सकता है? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्लेन से नहीं जा सकती, हैवी मटेरियल्स. फाइन, सो फॉर दैट व्हाट थिंग वी यूज्ड, वी यूज शिप्स है. हम लोग ने शिप का यूज किया, बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स का यूज किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े सामानों की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो एक स्टेट एक स्टेट कंट्री से दूसरे कंट्री पे बाय पोर्ट्स, बाय शिप्स जाती है, बाय कार्गो शिप्स जाती है. पोर्ट्स क्या है? जहाँ पे शिप्स आकर रुकती है. ठीक है, सो दोज आर कॉल्ड पोर्ट्स. तो हमारे कंट्री ने ये भी समझा कि हमें ट्रेड करना है तो हमें अपने पोर्ट्स भी अच्छे करने हैं, हमें अपनी कार्गो शिप्स भी बढ़ानी होंगी और अच्छी करनी होंगी. ओइंग टू द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स, मतलब 12 तो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, बहुत बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स आके रुक सकती हैं, और 200 छोटे पोर्ट्स हैं. ठीक है, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पोर्ट्स. द नेक्स्ट वी हैव एविएशन. व्हाट इज एविएशन? दिस इज व्हाट प्लेन्स. ठीक है, सो दैट इज द एविएशन. द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू हैव at least 500 operational airports by the year of 2020. Right? तो इंडिया की इंटेंशन क्या है कि हम अपने एविएशन जो कि अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर और
500 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे. सो वी हैव इट हैज एलोकेटेड फंड टू मॉडर्नाइज द फोर मेन पोर्ट्स दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड 37 गोल मेट्रोस रिवाइव अनयूज्ड एयरपोर्ट्स एंड क्रिएट न्यू एयरपोर्ट्स राइट. द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी विल डिस्कस इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? The government of India plays an important role in the development of public facilities. Public facilities are the conveniences and conveniences and services. ठीक है? ये क्या है? These are the healthcare, education, drinking water, sanitation. These are what? These are the conveniences and services जो कि हम लोगों को provide करेंगे. Infrastructure क्या है? These are also services. These are also basic systems. But these are the basic systems जो जो कनेक्टिविटी के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम जरूरत है. फिर ढांचा. अब ये क्या है? अब कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी लोगों को मिलेगी. क्या क्या है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स. वी नो दैट वी हैव सो मेनी बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ओनली राइट. देन वी हैव एजुकेशन, एजुकेशन स्कूल्स विच हैव बीन ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, वी कैन सी जगह जगह पर पानी की आप उपलब्धता करानी. सैनिटेशन, द वॉशरूम फैसिलिटीज विच वी हैव राइट. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द बेसिक कन्वीनियंस. लोगों की सहूलियत के लिए, सहूलियत में प्रोवाइड कराना. ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे? हेल्थ केयर. मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हम लोगों के पास गवर्नमेंट, हम लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी दी है. आयुष्मान भारत अभी एक दो साल पहले एक स्कीम लॉन्च हुई थी आयुष्मान भारत के नाम से, जो कि एक बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट ने लोअर क्लास पीपल को प्रोवाइड कराई है कि दे कैन गो एंड दे कैन इफ यू कैन सी दैट सेम एज मेडिक्लेम्स. ठीक है, जैसे कि मेडिक्लेम होता है उसी तरीके से हम आयुष्मान भारत स्कीम एक बहुत बड़ी लार्ज एक स्कीम है. उसमें क्या है कि हम चाहे जो लोअर क्लास पीपल हैं, द पीपल हु डोंट हैव मनी, रादर वी से दैट द पीपल हु हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन गो टू देयर, दे कैन गो, दे कैन यूज दिस थिंग आयुष्मान भारत, दे कैन गेट देमसेल्फ एडमिटेड टू द प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो. द गवर्नमेंट इज गोना पे फॉर दैट. सो इसके भी कुछ, वी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज ये भी कुछ प्रोविजन है, कुछ कंडीशन है. फिर सो फर्स्ट द प्राइमरी डायरी कंसिस्ट ऑफ सब सेंटर्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ. सो ये सब हेल्थ केयर के बारे में है. एप्लीकेशन स्टडी बाय है, खुद से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन राइट. बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे एनसीआर अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके आई है. एक दो के बारे में आई कैन टेल यू लाइक एनसीएम 2005, NCF 2009. शायद आप ये गवर्नमेंट ने नेश वो निकाले थे. दीज आर एक्चुअली दीज आर द स्कीम्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट राइट. एक हमें पता है राइट टू एजुकेशन है ना, हर एक बच्चे को एक राइट है. 2009 वाला जो ये अमेंडमेंट है ये लागू हुआ था 2010 में. आई डोंट नो गारंटी इट इज नॉट इन इन देयर न्यूज़, आई जस्ट थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस एजुकेशन. फाइन, तो हमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये एक हमारे देश में 14 साल तक की उम्र के बच्चे को फ्री एजुकेशन का राइट है. ठीक है, वो काफी पहले इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल उसको मिली है कि हाँ मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्म में आप कह लीजिए वो यहाँ पे है, इसी अंदर है. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ने का राइट है. ठीक है, एंड कुछ एक गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है कि उस कम की सैलरी जिन पेरेंट्स की है उन लोगों को राइट है कि वो फ्री एजुकेशन उन लोगों को मिले.
कुआं खुद से भर लिएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्लस साफ पानी ना मिलने की वजह से। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे जून 2018 में गवर्नमेंट द्वारा स्वजल स्कीम को लॉन्च किया गया है टू इंश्योर सस्टेन सप्लाई ऑफ सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इन रूरल एरियाज। राइट, नेक्स्ट वी हैव सैनिटेशन। व्हाट इज सैनिटेशन? भारत का समथिंग समथिंग, देखते हो गार्बेज वैन आती है, वो क्या करती है हमारे यहाँ से गार्बेज को कलेक्ट करती है, दैट इज कमिंग टू सैनिटेशन। राइट, द पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटीज वी हैव, अब तो आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस केम टू पावर, अब तो बहुत ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स है, फॉर यू गोइंग टू फाइंड पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है, एट अ सम डिस्टेंस। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर स्वच्छ भारत मिशन, गवर्नमेंट ने किया था 2 अक्टूबर 2014, याद होगा आप लोगों को। उसमें क्या था, छोटे 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 बोलिए, उसमें क्या था, बहुत सारे मिनिस्टर्स का आप लोगों को टीवी में देखा हो, स्वच्छ भारत अभियान चल रहे, झाड़ू ले रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, है ना, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम सब जानते ही हैं, ठीक है। सो वो जो है ये सब चीज़ें ले आती हैं हमारी सैनिटेशन। सो आई होप आपके चैप्टर पूरा क्लियर हुआ हो, खुद भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश हम करेंगे, बुक खोलिए पढ़िए, इन एनी केस कोई डाउट रहता है तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू, बाय।